हाय एवरीबॉडी, आर यू ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी? हमको सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस तो पता है. वी अंडरस्टैंड कि जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर हुए हैं उन सबको रिवाइज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबके लिए विद स्कूल एंड ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं. पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले ये कि अगर आप सुबह को जल्दी उठना शुरू कर दें, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे एंड इफ यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली अराउंड 5 or 5:30 AM, तो आपको सुबह के एटलीस्ट 2 hours ऑफ क्वाइट एनवायरमेंट आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे. सुबह के टाइम पे क्या होता है कि घर में पूरी तरह से शांति होती है, या इवन इफ यू आर इन हॉस्टल everybody is quiet, everything is quiet, और उस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा बन सकता है. आपको उस टाइम पे बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं. सो फर्स्ट थिंग, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. लेकिन याद रहे, आपको सुबह उठ के क्या पढ़ना है वो आपको पिछली रात को डिसाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आप डिसाइड करने में आधा घंटा लगा दें कि मुझे आखिर पढ़ना क्या है. पॉइंट नंबर टू, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, जिसको हम बोलते हैं आइडल टॉक. अब हम सबको पता है कि आइडल टॉक, जबरदस्ती की बातें करने में दोस्तों के साथ मजा तो बहुत आता है, लेकिन वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, नॉट जस्ट फॉर योर टाइम बट ऑल्सो फॉर योर माइंड. आपका माइंड जो होता है वो इतनी चीजों में वॉन्डर करने लगता है कि आप जब एक्चुअली पढ़ने बैठते हैं तो आप वही बातों को याद कर रहे होते हैं जो आपके दोस्तों ने आपको बताई थी. इसलिए इंस्टेड ऑफ आइडल टॉक, रैंडम बेकार की बातें करने से बेटर है कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठें तो डाउट सॉल्विंग करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करें जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे. उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे. पहली चीज ये कि आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, और दूसरी चीज ये कि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा. क्योंकि जब कोई चीज हम खुद से नहीं समझ पाते, कोई दूसरा हमको समझाता है, तो वो पॉइंट्स हमको ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं. पॉइंट नंबर थ्री, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब आधा घंटा या एक घंटा वेस्ट कर देते हैं रैंडम इंटरनेट स्क्रॉलिंग में. तो जब भी आप पढ़ने बैठें अपने फोन के इंटरनेट को ऑफ कर दीजिए, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन हो ही ना. कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आने वाला आधे या एक घंटे में जिससे लाइफ चेंज हो जाएगी. इसलिए एक घंटे के लिए, या जितनी भी देर आपका टारगेट की पढ़ाई है, उतनी देर के लिए आप अपने फोन के इंटरनेट को ऑफ करिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि आप कितना टाइम मैक्सिमाइज कर रहे हो. अब पॉइंट ये है कि आप कुछ घंटे दिन के, मान लीजिए 8 घंटे के करीब, आप स्कूल में स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद आप ट्यूशन में जाते हैं, तो आपको घर आके यही समझ नहीं आता कि आप स्कूल वाली पढ़ाई करें या ट्यूशन वाली पढ़ाई करें. तो याद रखिए, ऑलवेज फॉलो वन टीचर या फिर वन इंस्टीट्यूशन. अगर आप स्कूल में जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो घर आकर के रेगुलरली उनको रिवाइज कीजिए. या फिर अगर आप अपने ट्यूशन में या फिर आप अपनी क्लासेस में, जो इवनिंग क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस, उनको अगर फॉलो करते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो कोचिंग क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं. किसी भी एक जने को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कुछ टाइम में आपका सिलेबस काफी लंबा हो गया है और काफी खिंच गया है, मतलब काफी कंप्लीट हो चुका है. अगर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं स्कूल का पढ़ूं या फिर मैं ट्यूशन का पढ़ूं, मैं कोचिंग का पढ़ूं, पढ़ूं कहां का, पढ़ना तो सब कुछ है. एंड अल्टीमेटली इफ यू रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे, सब लोग सेम ही चीज पढ़ाते हैं, बस कोई चैप्टर पहले कंप्लीट होता है, कोई चैप्टर कहीं पे बाद में कंप्लीट होता है, लेकिन सिलेबस तो सेम है. तो आप किसी भी एक को फॉलो कीजिए और उसको ही रिवाइज कीजिए, घर आके उसको ही पढ़िए. नेक्स्ट पॉइंट, आपको टाइम बेस्ड टाइम टेबल के से ज्यादा बेटर होगा कि आप वर्क बेस्ड टाइम टेबल सेट करें. अगर आपका दिन का टाइम टेबल सेट है, टाइम टेबल अगेन आई से, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है. टाइम टेबल का मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी. अगर आप टारगेट बना करके स्टडी कर रहे हो, आपको पता है आपको कौन सा टॉपिक करना है, तो उसके लिए टाइम निकालना इजी होता है, आपकी सेल्फ स्टडी मैक्सिमाइज होती है. एटलीस्ट आप रात में जब सोने जाते हो तो आपको ये तो फील होता है ना कि मैंने ये चीज आज खत्म कर ली. तो इसलिए हमको क्या करना है कि 2 घंटे मॉर्निंग के और 2 घंटे इवनिंग के जरूर निकालने हैं. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने टारगेट के हिसाब से. देखिए, वे पॉइंट अंडरस्टूड है कि टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम अपने स्पीड से जाएगा, लेकिन क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस टाइम में क्या करें, यानी आप वर्क पे फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ टाइम पे फोकस करना. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ टाइम, व्हेन यू डिसाइड कि मुझे ये पढ़ना है इतनी देर में, तो आपका सिलेबस ज्यादा अच्छा कंप्लीट होगा और आपकी सेल्फ स्टडी जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट्स लाएगी. नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बनाइए. शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट में आप पूरी की पूरी कॉपी तो नहीं रिवाइज करने वाले या पूरी बुक तो नहीं रिवाइज करने वाले. जब भी आप
शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एक तो ये कि आपका टॉपिक जो है कंसाइज होकर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, दूसरा उसको रिवाइज करना इजी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो ट्रैवल टाइम है, अगर इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू योर कोचिंग और इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू योर स्कूल, अगर ये डिस्टेंस लंबा है और अगर आपके पास टाइम है, इस टाइम को मैक्सिमाइज कीजिए. जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, या फिर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आपके पास जो डायग्राम्स हैं उनको तो आप रस्ते में रिवाइज कर ही सकते हैं. आई मीन इट इज नॉट सच अ बिग डील आफ्टर ऑल. तो उसको रिवाइज कीजिए. Whatever you are studying, जो भी आपका टेस्ट होने वाला है या फिर जो भी आपका कोचिंग में या स्कूल में, उसको ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करके आप उसको यूटिलाइज कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, स्लीपिंग टाइम इज वेरी वेरी नेसेसरी. आप ये सोचें कि मैं रात को 2 बजे सोकर के सुबह 5 बजे उठ जाऊं क्योंकि मैम ने बोला है कि सुबह भी 2 घंटे पढ़ना है, शाम को भी 2 घंटे पढ़ना है. नहीं, ऐसे नहीं होगा. ऐसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपका ब्रेन वेल रेस्टेड नहीं है तो वो कुछ याद नहीं रख पाएगा. और दूसरी चीज एक ये और कि अगर आप बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, जो पॉइंट्स आपके कवर ही नहीं हो पाएंगे एक दिन में, उनको एनी वे आपका ब्रेन याद नहीं रख पाएगा. फिर आप कितनी भी बार उसको रिवाइज करते जाइए, कितनी भी बार उसको आप पढ़ते जाइए, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होगा बिकॉज योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट. तो आपको करना क्या है कि छोटा पढ़ना है लेकिन ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल्स. अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जो है वो बच्चे अक्सर कल के लिए छोड़ देते हैं. इसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. तो प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है कि अरे इसको हम कल करेंगे. जो भी आपको लगता है कि आप कल पे छोड़ रहे हो उसको तो सबसे पहले आज ही करो. तभी आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, यानी कि जो मैं कह रही हूं कि आप सुबह जल्दी उठिए और आप शाम को क्लासेस वगैरह आपकी खत्म हो जाए, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाइए, न्यूमेरिकल्स आप जरूर उसी दिन कीजिए, स्पेशली उस टॉपिक के जो टॉपिक आपको कोचिंग में जो भी आप फॉलो कर रहे हैं या फिर स्कूल में आपको पढ़ाए गए. क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो बर्डन बनते चले जाएंगे. एंड आई एम श्योर यू डू नॉट लाइक बर्डन्स. आपको अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारा बैकलॉग प्रिपेयर हो जाए. तो क्या करना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके आकर के न्यूमेरिकल सेम टाइम पे सॉल्व कीजिए, नहीं तो वो हमेशा के लिए बाद में ही हो जाएंगे. कल भी आप सोचेंगे कि बाद में करूंगा, संडे को भी आप सोचेंगे कि बाद में करूंगा, और दोबारा से वो संडे का भी नहीं आता. सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इससे आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है. सेल्फ स्टडी में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं बता देती हूं. आपको शॉर्ट नोट्स बना करके उनको रेगुलरली रिवाइज करना है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली उसके लिए. उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा हम कल पे डाल देते हैं. उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस देनी है. किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है कि आप कौन सा टॉपिक फॉलो कर रहे हैं. एक और चीज यहां पे ये होता है बच्चों का अक्सर कि कल तो लेकिन उस टॉपिक का टेस्ट है तो वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं. प्लीज टेक द टेस्ट, डू नॉट लीव द टेस्ट. देखिए एक चीज कहते हैं जिसको कि स्मार्टली प्रिपेयर करो, हार्डवर्क नहीं. मतलब हार्डवर्क तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है बट स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्डवर्क. स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि आप पढ़ाई के केस में बहुत सारे PYQs सॉल्व कीजिए. जब आप बहुत सारे PYQs सॉल्व करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. उन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली आपको छोड़ना ही नहीं है. पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए और उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इफ यू फॉलो तो आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. मैक्सिमाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी के टाइम को 4 से 6 घंटा पढ़ाइए. मैक्सिमाइज का मेरा टाइम ये है कि जब आप कहते हो कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हो तो आप एक्चुअली 4 घंटा पढ़ो और उस 4 घंटे का कोई आउटकम आना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ तो लिया लेकिन लास्ट में क्या, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये भी थोड़ा सा पढ़ लिया, वो भी थोड़ा सा पढ़ लिया. नहीं नहीं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाइए और उसको कंप्लीट कीजिए अपने सेल्फ स्टडी के टाइम में. तो आप ट्रैवलिंग टाइम को मैक्सिमाइज करो, अननेसेसरी आइडल टॉक मत करो, इंटरनेट को पढ़ते समय ऑफ कर दो. इन सब चीजों से कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका पढ़ाई का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा. एक और चीज जो मैं अक्सर बोलती हूं कि जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्शन लगती हैं, जो भी चीजें आपको लगता है कि रैंडमली आपका दिमाग बार बार वहां जाता है, उनको शीट पे लिखिए ताकि आपको पता रहे कि आपका दिमाग किन चीजों में ज्यादा जा रहा है. सो दीज आर सम पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर स्टडी टाइम, पर्सनल स्टडी टाइम जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है. और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके दिन के 4 घंटे भी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा इनफ हो जाएंगे. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ द वीडियो हेल्प यू. थैंक यू.